हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल सरदार कैज़म। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, माय नेम इज हर्षदीप पहुजा। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए भी आई एम हर्षदीप पहुजा। और मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं कॉमेडी स्केचेस बनाता हूँ, और उसका नाम भी है हर्षदीप पहुजा लोकल लो बात। तो मुझे ब्लॉगिंग करनी बिल्कुल भी आती नहीं है। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, और मुझे नहीं पता कि कितने लोग देखेंगे कितने नहीं देखेंगे। पर अब जब तुम लोग आ ही गए हो तो सुनो, ब्लॉगिंग करने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखना है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे चैनल के लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ उसमें मैं बिज़ी नहीं होता। उसकी स्क्रिप्ट सोचने में, उसको शूट करने में, उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक क्रिएटिव ब्लॉकेज हो जाती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब स्क्रिप्ट में क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने सोचा कि ऐसे टाइम पर मैं ब्लॉगिंग करूँगा, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस। राइट नाउ आई एम रियली फिगरिंग इट आउट कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ ब्लॉगिंग में डेली का। मुझे कोई अभी आइडिया नहीं है क्योंकि आज सच कोई रूटीन है ही नहीं। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा है। बट आज मुझे अपनी गाड़ी धोनी है, हाँ, तो वो मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ। धोऊँ या ना धोऊँ? धोऊँगा तो फिर मेरे को शाम को नहाना पड़ेगा। चलो ठीक है, डिसाइड करते हैं। तो आज की न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि भाई चेन्नई कोयम्बटूर की एक फ्लाइट के अंदर जिसमें 100 लोग थे उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव निकला बंदा। ये हो क्या रहा है यार? मतलब पहला दिन अभी हुआ नहीं है, फ्लाइट उड़ी नहीं है, और पहले दिन ही फ्लाइट के अंदर ही पॉजिटिव बंदा मिल गया। और आज एक न्यूज़ और बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है, ये कुछ पता नहीं क्या है, ये टिड्डे टाइप से कुछ है क्या? ये जयपुर में या एमपी में कहीं तो उड़ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश पहुँच गए हैं। आई थिंक ये दिल्ली भी जल्दी आने वाले हैं। हाईवे से ही आ रहे हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे। मतलब 2020 में हम किसी चीज़ से बचेंगे या नहीं बचेंगे? लो, एक न्यूज़ और क्या सुनने को मिल रही है कि ट्रू कॉलर रिकॉर्ड्स ऑफ 4.75 करोड़ इंडियंस एलिजिबली पुट ऑन सेल, फॉर्म डिनाइज ब्रीच। यार इंटरनेट पे ना कुछ सेफ रह नहीं गया आजकल। मतलब डेटा तो ऐसे लीक हो रहा है जैसे छोटे बच्चों का सुसु। ये वैसे दिस इज अ नाइस सेगमेंट ना, अगर मैं रोज़ तुम लोगों के सामने बैठ के 2-3 या 4-5 हेडलाइंस पढ़ूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी अपडेटेड रहूँगा लेटेस्ट न्यूज़ से, और शायद तुम लोग भी इसी बहाने न्यूज़ सुन लो, है ना। दोपहर हो गई है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर अपनी वीडियो एडिट कर लूँ जो कि मैंने शूट करी और मुझे डालनी है, और उसके बाद फिर मैं शाम को गाड़ी धोऊंगा। सो लेट्स सी मैं क्या क्या करता हूँ। लॉकडाउन क्या है, कुछ भी नहीं है, इतनी भीड़ है सर, क्रॉस करनी मुश्किल हो पड़ी है। मेरे को लगता है कि लॉकडाउन से पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी अब है। ट्रैफिक नाम का है लॉकडाउन, पहले से ज़्यादा ट्रैफिक है। वैसे बाहर क्यों निकल रहे हो यार? अभी मत निकलो, अभी नहीं हुआ है लॉकडाउन ख़त्म। आज मेरा गाड़ी धोने का पूरा पूरा मूड है। एक तो काली गाड़ी का सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है कि गंदी होती तो सबसे ज़्यादा गंदी लगती है, लेकिन अगर चमक रही हो ना तो सबसे ज़्यादा चमकती है वो गाड़ी। ये देखो शीशा भी खुला हुआ है यार, इसका शीशा पहले तो बंद कर दूँ। इतनी गर्मी हो रखी है, इसको खोलो यार। फिलहाल मैंने निकाला हुआ है वो वाला, मैं बाद में सुखाने के लिए यूज़ करूँगा। वैसे तो नॉर्मली मैं पहले पाइप लगाता होता था, बट मेरे को लगता है उससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैंने अब क्या करना शुरू करा, जो आर ओ होता है ना उसकी जो पाइप होती है जिसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलता है, उससे मैं ये बाल्टी भर लेता हूँ, तो काम हो जाता है अपना, मोटा मोटा पानी भी बच जाता है। साफ तो मैंने कर दी है,
बट एक आंधी चलने आ रही है फिर से गंदी। ये पॉलिश मैंने स्पेशली ली थी कि मैं टायर इससे साफ़ करूँगा, अच्छे साफ़ होते हैं बट अभी ज़रूरत नहीं है, अभी कर दूँगा साफ़ फिर गंदे होंगे, तो इसको रहने देते हैं फ़िलहाल। लुक एट द मेस आई मेड, तो साफ़ कर दूँ इससे पहले मम्मी चीखें। कितना ओरिगल नो ओए होए, चश्मा लग गया आपको? हाँ बड़ा लग रहा है अब, तो ये तो बड़ा लग रहा है। कितने साल के हो गए आप? 18 साल का हो गया। ले भाई जवान हो गए तो, बनवा ले वोटर आईडी। फिर फाइनली गाड़ी धोने का काम हो गया है, अब मैं थोड़ा सा नहा लूँ क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट करनी है और बहुत छापा है, कल सुबह सुबह वीडियो डालनी है। क्या बन रहा है मम्मी आज? पिज्जा बन रहा है। पिज्जा बन रहा है, ये क्या बेस? बेस है। क्या कैसे बनता है ये? इसको बस मैदे में थोड़ा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल दो और उसको दही के साथ गून लो। क्या बात है। वैसे हम लोग पहले पिज्जा बेस बाहर से लेके आते थे लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होता था, जब वो बनता था ना तो वो बहुत क्रिस्पी सा बनता था और मुझे थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद है, इसलिए अब मम्मी ने घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया और इजी भी है तो ठीक है ना। क्या नाम है आपका? हरमन। चलो हरमन दिखाओ, सब अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ, उनको भी शेयर कर दिया करो वीडियोस, ठीक है? व्लॉग में डालनी बनती है ना कि मेरा एक रह गया। ओ यस बकवास कौन सी चीटिंग की है? ओ गई किसकी? ओ इधर ताली तो दे दे। एक लूडो ना सके माँ पुत्र नू भी अलग कर सकते क्यों मम्मी क्या कहते हो? नहीं ओ बेटे ओ अयान और मम्मी रह गए। अयान आ रही है कादा टाइगर श्रॉफ यार हार गया तू। चुंडिया हारने वाले को चुंडिया बने चुंडिया बने। ओए मेरे मिठड़े, बेबी ला ला। ओ बेबी आ जाओ, ये ले खा ले। तो फिलहाल मैं अभी अपने मेन चैनल के लिए वीडियो को एडिट कर रहा था, ये देख सकते हो आप, इस वीडियो को मैं एडिट कर रहा था। यूजुअली मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं उस मॉनिटर पे करता हूँ। अगर किसी को लग रहा हो कि वो टीवी है तो टीवी नहीं है, वो मॉनिटर है और यूजुअली मैं इसको कनेक्ट करता था उसके साथ एडिटिंग के लिए। बट अभी मेरा जो कंप्यूटर टेबल है ना वो यहाँ पे है नहीं क्योंकि वो मेरी बहन के रूम में शिफ्ट हो गया, उसके ऑफिस से डेस्कटॉप आया है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऑफिसेज बंद हैं, तो उसका डेस्कटॉप यहाँ घर आया तो वो अभी फ़िलहाल वो यूज़ कर रही है। मुझे अपना वैसे भी नया सिस्टम बनवाना, तो पूरा टेबल मैं नया वैसे भी बनवाने वाला हूँ, तब तक मुझे फ़िलहाल ये रेक्लाइनर पे बैठ के किसी तरह इसी पे एडिटिंग करनी है। बट पता नहीं कितने टाइम से ना लैपटॉप बहुत ज़्यादा अटकना शुरू हो गया एडिटिंग में, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन है बट आई डोंट नो क्यों अटकता है, बट जैसे तैसे काम करना है। करने दे भाई, कल सुबह वीडियो डालनी है, चल जा प्लीज़। हे गाइस, सो फाइनली वीडियो इज़ आउट, आई एम रियली सॉरी एक घंटा लेट हो गया है और डन, अब आ गई है वीडियो। हाय स्वाइप अप करो और जाके देखो। हे गाइस, ऑलमोस्ट शाम के 5 बज चुके हैं और मैं सो गया था एक्चुअली वीडियो अपलोड करने के बाद, क्योंकि पूरी रात सोया नहीं था, पूरी रात एडिटिंग चल रही थी और फाइनली अब वीडियो डली है। तो वैसे भी वीडियो डलने के बाद जो चैन की सुकून की नींद आती है ना, उससे बेटर नींद कुछ होती नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मुझे ब्लॉगिंग करना नहीं आता है, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसी बनेगी या क्या बना है अभी तक, आई रियली डोंट नो। देखते हैं एडिटिंग में, पता नहीं अपलोड करूँगा भी या नहीं, वैसे करूँगा अगर इतनी मेहनत मैंने करी है तो फिर अपलोड तो मैं करूँगा ही, बट आई रियली डोंट नो कि कैसी बनी है। तो आप लोग प्लीज़ अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरे को थोड़ा लगे कि आप लोगों को शायद मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगी है और मैं शायद इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है? अब जब आ ही गए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है जी।